सीतापुर के सिधौली तहसील इलाके से इस वक्त इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। सिधौली तहसील इलाके में आज प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर फिर गरजा है और बुलडोजर की जद में भाजपा के पूर्व सिधौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और वर्तमान सिधौली के ब्लॉक प्रमुख, उनका एक ढाबा भी आया है जिसके सामने से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। अटरिया में कार्रवाई हुई है, सिधौली कस्बे में कार्रवाई हुई है। तो हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे सिधौली के सहयोगी राजेश यादव। राजेश जी बताइए, क्या है पूरा मामला? जी, अतिक्रमण के खिलाफ उप जिलाधिकारी पंकज प्रकाश राठौर व सीओ यादवेंद्र की उपस्थित में सबसे पहले अटरिया व सिधौली कोतवाली की पुलिस की उपस्थित में अटरिया कस्बे में बुलडोजर का कहर स्टार्ट शुरू हुआ, जहां पर पक्की दुकानों के आगे रखे तीन दुकानों के तीन सीटों को हटाया गया और उसके बाद दुकान रोड नेशनल हाईवे के किनारे रखे खोखा को भी नस्तानाबूद करते हुए बुलडोजर नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो है अतिक्रमण हटाते हुए सिधौली की तरफ बढ़ा, जहां अटरिया थाने के चंद दूरी पर स्थित भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं वर्तमान ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत की स्थित न्यू गोल्डन रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर का कहर नहीं थमा, जहां भाजपा नेता के रेस्टोरेंट के सामने बनी हुई झोपड़ी तथा दुकान रेस्टोरेंट के सामने लगे हुए टीन सेट को गिराते हुए आगे बढ़ा और जहां पे उसके आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास में खोखा की दुकानों पे बुलडोजर चलता हुआ सिधौली की तरफ बढ़ा और इसके बाद सिधौली कस्बे में पहुंचते हुए जी, सिधौली में कहां से कहां तक बुलडोजर चलाया गया है और सिधौली में कुछ नोकझोंक भी हुई है प्रशासन से, जो पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं मनीष पांडे, बताएं। जी महमूदाबाद चौराहे पर बुलडोजर जो है दुकानों के रोड के दोनों तरफ बनी हुई पक्की दुकानों के सामने लगे टीन शेड को गिराता रहा। उसके बाद हालांकि कस्बा वासी जो है मूक दर्शक बने रहे और वहां पर जो है पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के भाजपा से जो प्रत्याशी रहे मनीष पांडे जी, इस समय विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने विरोध जताया और विरोध जताते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी पंकज प्रकाश राठौर से खुले शब्दों में कहा कि भले ही हमारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दें, लेकिन ये इस तरह की कार्रवाई हम अपने नगर के अंदर नहीं होने देंगे। इस पे जो है बुलडोजर का कहर थम गया और उप जी जिलाधिकारी बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। पहले हम दर्शकों को ये दिखा देते हैं कि जो नगर पंचायत सिधौली के पूर्व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे हैं मनीष पांडे, उनकी जो प्रशासन से और NHAI के जो वहां पर कर्मचारी थे उनसे नोकझोंक हुई है। क्या कुछ उनका कहना है और कैसे वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, आप देखिए वीडियो पहले। ये अधिकारी बने घूम रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनका आदेश बदलवा दीजिए, हम चले जाएंगे। हम आदेश इस तरह का नहीं मानेंगे कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल यही आदेश। जो नहीं, ये नहीं आदेश है वहाँ से कि किसी गरीब को या इस तरह से तोड़ फोड़। नहीं नहीं, सबके घर में हुए। पहले आप यहाँ की सुविधा उपलब्ध कराओ, उसके बाद यहाँ पे आप मेरे खिलाफ मुकदमा लिखिए। हम मुकदमा काहे करेंगे, दिखाइए। हम ये चाहते हैं पहले व्यवस्था कर लीजिए, पैंट बनवाने पहले चैन लगवाई जाती है बाथरूम करने से, समझ में आया? चैन बाद में नहीं लगवाई जाती, पहले आप व्यवस्था करिए, उसके बाद ये तोड़ फोड़। जेन्युइन बात, हमने उस दिन आपसे कहा था जब आपने ऑर्डर लिया पे, हमने क्या कहा था? वो इनके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में तोड़ फोड़ भी नहीं है, नहीं करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से SDM और NHAI के जो कर्मचारी थे उनसे मनीष पांडे की नोकझोंक हुई, इसके बाद अभियान वहां पर रोक दिया गया है। राजीव बताइए कि अब इस समय SDM की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभियान रोकने को लेकर के? जी, SDM पंकज प्रकाश राठौर ने अभियान को तो रोक दिया है, लेकिन उन्होंने जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए भी चेतावनी दी है। हो सकता है कि जो है मनीष पांडे के खिलाफ मुकदमा अभी पंजीकृत कर लिया जाए, और ये भी बताया है कि जो है अगली कार्रवाई कल सुबह करेंगे, जिसमें PSC बल तैनात रहेगा।
जी बिल्कुल, तो एसडीएम ने बताया है आई इंडिया को कि विरोध के चलते ये कार्रवाई तो आज स्थगित कर दी है उन्होंने, लेकिन उनका ये कहना है कि जो विरोध मनीष पांडे ने जताया है उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं और कल भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान पुनः चालू करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ एसडीएम ने कहा अतिक्रमण को लेकर के, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान आज चला गया उसको लेकर के, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप सुनिए आई इंडिया से उन्होंने जो बयान दिया। ये सिधौली कस्बे में दोनों तरफ हाईवे के किनारे जो अस्थायी अतिक्रमण हो रखा है हाईवे के जमीन से, उसको अभियान चला के लगातार एक सप्ताह हटाया जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर के इससे क्या फायदा है? सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ हो सके, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ना हो, बस यही इसकी पीछे मकसद है। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।